चिट फंड कंपनियों की जालसाजी जिले में रुक नहीं रही है। सैकड़ों बेरोजगारों को अच्छा वेतन देने का झांसा देकर पहले 14,000 रुपए जमा करवाया गया और फिर जब बेरोजगारों को नौकरी और सैलरी नहीं मिली और उन्होंने आवाज उठाया तो उन्हें कपड़े बेचने का कार्य में लगा दिया गया। इतना ही नहीं, कई युवाओं से 15 से 20 हजार रुपए सैलरी महीना देने का नाम पर अच्छी नौकरी का झांसा दे 50 से 70 हजार तक वसूल भी लिए गए। यह कोई पहला मामला नहीं है जब सरगुजा संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में सामने आया है। उससे पहले भी कई कंपनियों ने सरगुजा जिले के आदिवासी युवाओं को छला है, लेकिन हर बार बस जांच का नाम लेकर केस को रफा दफा किया जाता है। तभी तो हर बार नए नए नाम से कंपनियां लॉन्च हो जाती है और जिला प्रशासन को भनक तक नहीं लगती। सवाल के घेरे में जिला मुख्यालय की पुलिस भी है, जिसे यह तक नहीं पता चल पाता कि शहर के किस ऑफिस व कंपनी में सैकड़ों युवा रोज आना जाना कर रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, जरा इसकी जानकारी ली जाए। ऐसे मामलों का खुलासा तभी होता है जब युवा इन कंपनियों से ठगे जाने के बाद न्याय की आस लिए पुलिस और प्रशासन के पास पहुंचते हैं। सर, यहाँ जॉब की जॉब है ऐसे करके बुलाए और बाहर में जॉब नहीं मिल रहा है ऐसे करके बोले कि यहाँ जॉब है, इतना कमाओगे। शुरू में तो बोलते हैं कि 15,000 से स्टार्टिंग हर महीने मिलेगा, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं मिला। मेरे को 3 मंथ हो गया, लेकिन मैं 70,000 से स्टार्टिंग की थी, लेकिन मेरे को आज तक कुछ भी नहीं, एक भी वो चीज़ पैसा भी नहीं मिला है। और क्या बोलते हैं, और 2 बच्चे हैं। मैं सोचिए कि बच्चे लोग को घर में छोड़ के आती थी। मेरा नाम अनीता मानिकपुरी है, मैं लुंडा से बिलोंग करती हूँ, लुंडा डड़गांव से। कहाँ आए हैं, क्यों क्यों आए आप लोग इस जगह पे? जैसे कि हम लोग एक कंपनी में काम करते थे, जो कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को उल्लू बनाया गया, धोखाधड़ी हुआ, जिसके वजह से हम लोग न्याय लेने के लिए इस जगह पे आए हुए हैं। कौन सी कंपनी है? वर्चुअल फैशन असिस्ट प्राइवेट लिमिटेड। क्या काम होता है उसमें? यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग का काम होता है, नेटवर्क मार्केटिंग होता है। किस तरह से होता है? इस जगह पे जैसे ट्रेनिंग दिया जाता है, इस जगह पे 4 दिनों तक का लोगों को बुलाया जाता है, पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, एक एक दिन अलग अलग चीज़ें बताते हैं और उनको सबसे पहले तो जॉब के नाम पे बुलाते हैं, लेकिन बिजनेस बताया जाता है इस जगह पे। लेकिन बिजनेस जैसे हर कोई इंसान नहीं कर पाता है। उसके बाद यहाँ पे कपड़ा खरीदने के लिए बोला जाता है उनको और पैसा मांगते हैं बदले में, जैसे 14,000 मांगते हैं, 35,000 और 70,000 मांगा जाता है लोगों से। और इस जगह पे जो काम करने वाले इंसान आते हैं वो कोई शहर से नहीं आते, गाँव घर के लोग ही आते हैं, जो कि खेती बाड़ी जैसे यहाँ पे कॉलेज के लिए हम लोग आए हुए हैं, है ना, जैसे स्टडी के साथ। और यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा सपना दिखाया जाता है कि आप इस जगह पे आओगे तो अच्छा खासा कमाओगे, आप लोग का फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, यहाँ पे लाखों रुपए कमाओगे, ऐसा हम लोग को धोखाधड़ी मतलब बोला जाता था इस जगह पे। अभी क्या हुआ आपके साथ? हम लोग के साथ ये हुआ कि हम लोग इस जगह पे आए, ट्रेनिंग लगाए, उसके बाद फिर हम लोग से पैसा लिया गया, उसको सेल करना पड़ता था इस जगह पे। कितना पैसा लिया गया यहाँ पे? जैसे मैं तो 14,000 से की थी इस जगह पे जी। और बाकी लोग? और बाकी लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 35,000 कोई 70,000 से काम स्टार्टअप किया है और कमा भी नहीं पाए, उन लोग का पैसा फालतू डूब गया है और उसके बदले में इनको कपड़ा दिया गया है, जो कि कपड़ा बहुत महंगा है और क्वालिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, जो कि 200 रुपये का कपड़ा को 2,000-2,500 में बेचने के लिए बोला जाता है इस जगह पे। वो ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर देखिए हम लोग करीबन 1,000+ इंसान हैं जो कि अभी नहीं आते हैं, जो कि बहुत सारे लोग कमाए, वो लोग रुके हुए हैं, लेकिन जो नहीं कमा पाए उनका पैसा डूब गया, वो लोग नहीं हैं इस जगह पे, है ना। तो बहुत सारा काम चल रहा है इस जगह पे, लोगों को बुलाया जाता है, ठगा जाता है उनसे पैसा और काम करवाया जाता है। पहले तो लगता है कि काम बहुत आसान है जो कि हम लोग हर कोई कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, काम बहुत कठिन है। क्योंकि दूसरे के घर में पैसा कोई 70,000 लाता है, रोग आकर के आते हैं, कोई घर से बाहर निकाल देते हैं पैसा के वजह से कि जाओ पैसा लेकर के जा रहे हो तो कमाओगे तभी आप आओगे घर पे, ऐसे बोला जाता है। और ये जो कंपनी है, एक तो MG रोड में जावा शोरूम के सामने 4th फ्लोर आदित्य बिल्डिंग में चल रहा था, जो कि कंपनी बंद कर दिया गया है, MD ओनर बंद कर दिए हैं, और एक कंपनी और चल रहा है जो कि स्मार्ट पॉइंट के ऊपर में चल रहा है। और उस जगह पे क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, उनको MD CEO भड़का दिए गए हैं कि आप लोग गलत तरीके से काम करो इस जगह पे, आप लोग को भी फायदा होगा, लेकिन हम लोग गलत तरीके से काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग इतने सारे लोग इस जगह पे इकट्ठा हुए हैं, हम लोग को न्याय चाहिए और हम चाहते हैं कि ये कंपनी को बंद करें। क्यों? क्योंकि हम लोग के साथ जो गलत हुआ, वैसे हम नहीं चाहते कि और भी लोगों के साथ गलत हो, क्योंकि गांव घर के लोग हैं। जैसे हम लोग आए यहाँ पास आने के बाद, मैं बता रही मैं पढ़ाई करती थी, मेरा BSc फाइनल ईयर रनिंग था, लेकिन मैं इस कंपनी में आने के बाद मैं फ्यूचर देख, मेरे को लगा था कि अच्छा खासा बन जाऊँगी, पैसा वैसा कमा लूँगी, क्योंकि नौकरी वोकरी तो मिल नहीं रहा है, मेरा पढ़ाई भी छूट गया, प्लस मैं इस जगह पर मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हुआ है, 1.5 साल मेरा टाइम वेस्ट हो गया और कुछ नहीं कमा पाई हूँ। वहीं इस मामले में शिकायत लेकर काफ़ी संख्या में पीड़ित युवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँचे, जहां पर पुलिस विभाग के अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आगे जांच कराकर कार्यवाही करने की बात कही है।
अब देखना यह होगा कि ऐसी फर्जी कंपनियों पर इस बार की पुलिस की कार्रवाई के बाद आगे क्या इस तरह के युवाओं को अच्छी कमाई का झांसा देकर रुपए ऐड कर नौकरी दिलाने के नाम पर बुलाने वाले कंपनियों जिले में बंद हो पाएंगी अथवा आगे भी ऐसे मामले आते ही रहेंगे। अभी एसपी कार्यालय आकर के कुछ लड़कों और लड़कियों के द्वारा शिकायत दिया गया है, जिसमें एक कंपनी के द्वारा नौकरी लाने के नाम पर पैसे लेकर के नौकरी नहीं दी जाने का बात बताया गया है, कहा गया है, जिस पर जांच में लिया गया है और उसमें जांच के उपरांत जो भी मामला बनता है उसमें फिर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। किस तरह का धोखाधड़ी हुआ है, क्या खरीदते थे लोग? अभी बेसिकली शिकायत बस प्राप्त हुआ है और उसको जांच में लिया गया है, जांच के उपरांत ही कुछ बताना संभव हो पाएगा कि वास्तव में मामला क्या है। सर पहले भी इसके ऊपर FIR हो चुका है, जेल भी जा चुका है, इसके बाद भी वो कार्रवाई नहीं हो रही। अब ये नया मैटर आया हुआ है, इसको देख लेते हैं इसमें क्या मामला बनता है, उसके उपरांत ही कुछ बता पाऊंगा। सर जो मालिक का गाड़ी है जिसके खिलाफ आपने शिकायत है, उस गाड़ी का कांच भी फूट गया, चार चक्का हवा में निकाल दिया गया है। अब इसकी देखना पड़ेगा किस प्रकार से हुआ है घटना, उसकी क्या हुआ है उसको देखेंगे अपन CCTV में, उसके उपरांत उसमें कुछ कार्रवाई करेंगे। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, जहां आपको फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन और कैटरिंग की सभी सुविधाएं मिलती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।